हरिओम, मेरा नाम राजू राम, गांव रडू तो रिमना बाड़मेर से हूँ मैं। मैंने 1995 में बापूजी से मंत्र दीक्षा ली थी और हम आश्रम में सब पूरे परिवार सहित सब जाते थे। बापू जी से जुड़ने से पहले हमारा जीवन वैसे साधारण जीवन था। हम थोड़ा बहुत नशा वगैरह कर लेते थे, ज़्यादा तो नशा नहीं करते थे। बाकी बापू से जुड़ने के बाद हमारी जो जीवन में तरक्की हुई है, हम पहले सत्संग वगैरह में धार्मिक कम थे और हमारे ईश्वर के प्रति कोई ऐसा विशेष हमको ज्ञान नहीं था। बापू से जुड़ने के बाद में हमें ईश्वर के बारे में पता चला। संसार में जो हम रचे पूछे थे ऐसे उधर उधर संसार की सब बातें वगैरह वो भूल के हम ईश्वर की ओर गए और हमें बहुत लाभ हुआ। बापू को हम साक्षात भगवान मानते हैं और हमें बहुत लाभ हुआ। धार्मिक क्षेत्र में हमें हमारी खूब उन्नति हुई। मेरी धर्मपत्नी के पेट में 4-5 साल से खूब दर्द हो रहा था, तो हम हॉस्पिटलों में इधर उधर खूब गए पर कहीं इलाज सही हुआ नहीं। तो हम बापू के आश्रम में गए और मेरी माताजी मेरे साथ में थी और हमारे कुटुंब के और भी लोग हमारे साथ में थे। मेरी माताजी ने मन में सोच रही थी कि मैं बापू जी को मेरी बहू के जो पेट में दर्द हो रहा है उसके बारे में बताऊंगी। 2-3 बार बापू के सामने गई प्रसाद लेने के लिए पर बोल ना पाई। तो मन में था पूछने का मगर पूछ ना सकी। तो सत्संग में हम बैठे थे, बापू ने सामने से अपने आप कहा, राजू की माँ मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मेरी बहू के पेट में खूब दर्द हो रहा है। तो बापू ने कहा, अभी दर्द ठीक है, अब इसके बाद में दर्द होगा नहीं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। ऐसा कह के हम हजारों की संख्या में सत्संग में लोग बैठे थे, उनके सामने बापू ने ये बोला तो हम सबको बहुत अचंभा लगा और ये उसके बाद में हम खूब बापू से बापू के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा बढ़ी और हम सब लोग बापू से जुड़े। हमारे बापू निर्दोष हैं और जो ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का धंधा नहीं चल रहा था इसी वजह से उन्होंने षड्यंत्र करके बापू को फंसाया है।